अभी तक जो भी हम लोग देखे थे वो आपका फोर्स से रिलेटेड था, वो आपका रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड था, ठीक है, यानी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पढ़े थे हम लोग। देखे थे कि मैकेनिक्स के अंदर दो ब्रांच है, एक को हमने बोला था क्या, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम पढ़े थे रेस्ट एंड मोशन के बारे में, और दूसरा जो विंग था वो क्या था, वो था डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो कॉजेस ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज व्हाट, फोर्स। फोर्स के बारे में पढ़े थे, फोर्स के बारे में पढ़े थे, उसमें फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े थे, फ्रिक्शन पढ़े थे, उसमें वगैरह वगैरह चीजें। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इंडिपेंडेंट टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, इसमें बहुत बाकी चीज का वास्ता नहीं है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत इस चैप्टर को आप नाइन्थ में पढ़े होंगे यहाँ, लेकिन इलेवेंथ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को समझा रहे हैं, और एकदम ध्यान से समझिएगा। वर्क यानी दिस इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क के लिए वर्क क्या है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, यहाँ पर ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, और ये है वर्क। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है वो है एफ मॉडुलस एस मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एफ और एस के बीच जो एंगल है उसी एंगल के कॉस को यहां यूज करना है। मान लिया किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो यहां पर जो वर्क होगा वो कैसे निकलेगा, एफ एस कॉस थीटा से। बस समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा। तो वर्क मैक्सिमम तभी होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम वन होता है, और कॉस थीटा वन कब होता है, जब थीटा जीरो। थीटा जब जीरो हो, वर्क मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा जीरो का मतलब हो गया कि मान लिया ये ब्लॉक है, मूवमेंट भी इधर ही हो और फोर्स भी इधर ही काम करे। यस नहीं समझे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस एंगल को कहते हैं जीरो डिग्री। ये क्या है, जीरो डिग्री। कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। इस केस में कॉस जीरो क्या आ गया, वन, यानी वर्क डन कितना आ गया, डायरेक्ट एफ एस। वर्क मिनिमम कब होगा, मिनिमम वर्क होता है तब जब थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री। थीटा हो जाए 180 डिग्री, जिसको पाई भी बोलते हैं, पाई रेडियन। बात समझ में आया, वर्क में मिनिमम हो जाएगा जब मान लिया फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाए, तो दोनों के बीच कितना हो गया एंगल, ऐसे और ऐसे एंगल कितना है जी, 180 डिग्री। और कॉस 180 कितना होता है हमारा, सर कॉस 180 माइनस वन। कॉस का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है ऐसे, तो देखो ये जीरो है, ये पाई बाय टू है, और ये क्या है, पाई। पाई मतलब 180। यस सर। तो कॉस 180 क्या होगा, देखो माइनस वन। तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस 180। कॉस 80 माइनस 180 मतलब माइनस एफ एस, नेगेटिव में चला गया वर्क, यानी मिनिमम यही वैल्यू है। क्लियर। वर्क जीरो कब होगा, वर्क जीरो तब होगा इफ थीटा इज 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल मान लिया आप स्टेशन पे गए और एक कुली आपका सामान लेकर, पोटर कुली कुछ भी, ये सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह गया, तो फोर्स किधर काम कर रहा है, एमजी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की ओर। तो इन दोनों के बीच किधर का क्या काम कर रहा है, एंगल। एंगल कितना है, 90। और कॉस 90 कितना होता है, जीरो। कॉस 90 जीरो। तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस 90। कॉस 90 जीरो मतलब जीरो। ये समझ में आया कि नहीं ये बात। तो यानी वर्क जो है वो क्या है, तीन तरह से हम लोग वर्क को अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। एक हो गया वर्क पॉजिटिव, एक हो गया वर्क नेगेटिव, एक हो गया वर्क जीरो। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल एक्यूट बने, ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल बने, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। जब एंगल 90 बने, ध्यान दो यहां पर, एफ एंड एस के बीच एंगल कितना है, राइट एंगल, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा जीरो। ये देखिए वर्क क्या है, जीरो।
और इन दोनों के बीच ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या हो जाएगा? वर्क जीरो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। बस में देख रही हां, तो यहां से देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझा गया ना? क्वाड्रेंट भी ऐसे पहचान सकते हैं। तो वर्क यहां पर नेगेटिव, यहां पर जीरो, यहां पर हो गया पॉजिटिव। क्लियर? कॉपी कर लो। चलिए अब देखते हैं वर्क पावर एनर्जी में आगे देखते हैं। हमने देखा कि वर्क इज इक्वल टू क्या है? एफ एस। तो डायमेंशन देखते हैं वर्क का क्या होगा। फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? एम ए। एम ए लिखते कि नहीं? yes। और ये है डिस्टेंस। मास का डायमेंशन क्या हो गया? एम। और ये एक्सेलरेशन का क्या होगा? एल टी माइनस टू। और ये एल हो गया, यानी डायमेंशन क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे जूल। ये जूल हो गया यूनिट इसका। डायमेंशन क्लियर हो गया। मान लिया आपको दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2i 3j 4k मान लिया दिया। ओके okay? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम विकास? नो सर। s क्या है? 3i 6j प्लस 5k। ठीक है, क्लियर आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब क्या करते हैं? वर्क निकालना है। वर्क निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? केवल इसी कोफिशिएंट को इनटू करते हैं। 3 into 2 6 6 into 3 18 5 into 4 20 कितना हो गया? ये 44 44 ये आया कि नहीं इसमें? यस। ये हो गया वर्क निकाल लिया। समझ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लिया ऐसे बोला जाए कि इस तरह से ऐसे है, ये फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कितने एंगल पे? 60 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितने एंगल पे हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट मान लिया हो रहा है आपका 30 डिग्री पे। ये मान लिया कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर। क्लियर? ये एस है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 60 और 30, तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच? 30। 30 एक 60 है और एक क्या बनाया? 30। तो ये दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 30। तो थीटा हो गया 30। इंडिविजुअली फोर्स कितना हो गया? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? fs cos थीटा, यानी कितना? 5 * 5 और cos 30 तो कितना हो गया? 25 √3/2 जूल। ये आया कि नहीं समझ में? यस सर। ये हो गया वर्क। तो जिस पैरामीटर में आपका एक क्वेश्चन रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन तैयार करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? कई बार फोर्स वेरिएबल होता है, समझ गया ना? जैसे स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स किसको कहेंगे? जैसे स्प्रिंग फोर्स, समझे कि नहीं? एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को जितना खींचेंगे उतना ज्यादा उसमें फोर्स जनरेट होगा। yes। थोड़ा सा खींचेंगे थोड़ा सा होगा। रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है ना? yes। ये मान लिया एक स्प्रिंग है और ये नेचुरल स्टेट में है, इसको और ज्यादा खींचे तो इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फोर्स किधर जनरेट हो रहा है? पीछे जनरेट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये फोर्स कितना होगा। तो यहां पर वेरिएबल फोर्स के लिए, फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, जब फोर्स वेरिएबल हो तब वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। बात समझ में आ गया कि नहीं? और लिमिट यहां से जहां है ए से बी, तो लिमिट डाल दीजिए, यही हो जाएगा क्या आपका वर्क? कोई दिक्कत? तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यानी कि इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे वर्क निकालने के लिए? इफ फोर्स इज वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल जैसे क्या बताया? स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। हमने देखा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, यहां कवर हो रहा है देखिएगा। यस। फोर्सेस दो तरह के होते हैं। एक हो गया क्या है? कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, फोर्स। और दूसरा हो गया वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, फोर्स। वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क निकलेगा कांस्टेंट के कारण अलग-अलग होगा। यस। यहां क्या लिखेंगे? fs cos थीटा। और यहां क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन f dx। और a टू b ये लिमिट किसका है? x का।
कैसे जानेंगे x का? d के आगे जो है उसी का लिमिट होता है। ये लिमिट किसका है? x का लिमिट है, नॉट f का। f का लिमिट नहीं, तो कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पर क्या है, f कांस्टेंट कहां है? वेरिएबल कांस्टेंट होता है तो लगाते हो फोर्स निकल जाएगा ना, मतलब समझ कैसे निकल जाएगा बाहर, उसके इंटीग्रेशन थोड़ी हो जाएगा बाहर नहीं आ सकता। f इज इक्वल टू, अब देखिए स्प्रिंग फोर्स में हम लोग क्या देखिए कि मान लिया ये हमारे पास क्या है, ये स्प्रिंग है, ये क्या है स्प्रिंग, ये क्या है स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग अभी नेचुरल स्टेट में है। स्प्रिंग का कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग किसी मटेरियल का बना होगा ना जी, yes. आ रहा है ना इसमें, स्प्रिंग किसी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, स्प्रिंग किसी मटेरियल का बना होगा, कॉपर का स्प्रिंग का अलग स्ट्रेंथ होगा, रबर का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, ब्रास का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा कि नहीं। स्प्रिंग भी कई तरह का होता है, एक पेन में लगने वाला स्प्रिंग है, एक ट्रेन के साइड में देखना मालगाड़ी के नीचे में पहिया के बगल में रहता है स्प्रिंग, इस पे तुम्हारे जैसे 50 लड़का खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं कुछ हिलेगा इसको, समझे कि नहीं, 50 लड़का खड़ा भी हो जाएगा तो भी नहीं कुछ होगा। एक होता है ट्रक के नीचे लगा रहता है, ये भी स्प्रिंग है, ये हेलिकल स्प्रिंग कहलाता है, ट्रक के नीचे ऐसे देखना पहिया पे ऐसे ये ऐसे ऐसे, इस स्प्रिंग को क्या कहते हैं, हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग। ऐसा प्लेट रहता है ट्रक बोलेरो ये सब के नीचे देखना, कभी छाप कर देखना, समझे ना, तो ऐसा स्प्रिंग ये लगा रहता है, ऐसे पत्ती लगा रहता है, एक पत्ती रहेगा ऐसे, उसके नीचे दूसरा पत्ती, तीसरा पत्ती, चौथा पत्ती, पांचवा पत्ती, छठा पत्ती, ऐसे, और इसके ऐसे में व्हील रहता है, और इसी पे लोड लिया रहता है पूरा ट्रक वगैरह का, तो शॉकर की तरह काम करता है ये, इसको टूटने से बचाता है, ये इसको टूटने से, लेकिन सब में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है थोड़ा सा, सब में क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल रहता है। और एक होता है मालगाड़ी का जो पहिया रहता है उसके बगल में देखना ऐसे लगा रहता है, ये जर्क को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, शॉकर की तरह काम करता है। बाइक वगैरह में भी देखना है शॉकर लगा रहता है, जैसे ब्रेक दबाओगे थोड़ा सा ये होगा, तो बाइक में ये यहाँ पर जो है ये ऐसे जो है ना यही है, यही पर लगा रहता है ऐसे शॉकर, तो है ना यही पर, तो ये आपके जर्क को एब्जॉर्ब करता है ये स्प्रिंग, समझे कि नहीं। स्प्रिंग कई तरह के होते हैं, ये भी देखिए, स्प्रिंग का स्ट्रेंथ भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का बना हुआ है, बात समझे कि नहीं, किस ट्रक का अलग स्ट्रेंथ होगा, जो आपका गुड्स ट्रेन है उसका अलग होगा, तो हर स्प्रिंग का एक अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग को जितना इलोंगेट किया जाए, जितना कंप्रेस किया जाए, उतना उसमें फोर्स जनरेट होगा, समझे, और उल्टा डायरेक्शन में होगा। तीन बात याद रखिएगा, पहला क्या बात समझे कि स्प्रिंग का स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करेगा, उसके के पे, यानी किस मटेरियल का बना है, पहली बात समझे कि नहीं। yes, दूसरी बात, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा इसका क्या बढ़ेगा, उतना ज्यादा, जितना इलोंगेट कीजिए, जितना कंप्रेस कीजिए, उतना ज्यादा इसमें फोर्स डेवलप होगा। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। इलोंगेशन का मतलब इसको खींचे, ठीक, और कंप्रेशन का मतलब कंप्रेस किए। कंप्रेस करना भी काफी मुश्किल काम है, इलोंगेट करना भी मुश्किल काम है कि नहीं। ये कंप्रेस हो रहा है आपके कारण, इलोंगेट हो रहा है खुद के कारण, हो रहा है कि नहीं। yes, आप जैसी जर्क लगा तो ये कंप्रेस हो गया, अब फिर आप नेचुरल पोजीशन में आ गए, तो ये किसके कारण, स्प्रिंग के कारण। और तीसरा बात कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे इसको कंप्रेस नेचुरल स्टेट में था, नेचुरल स्टेट में था, अब इसको कंप्रेस करके ऐसे कर दिए तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, इधर, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग छोड़ेंगे कैसे इधर जाएगा, तो फोर्स किधर हो रहा है, आगे, समझ में आया कि नहीं। तो हर स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है, आप उसके पोजीशन, आप उसके शेप को चेंज कीजिएगा तो फिर से वो अपने पोजीशन में आ जाएगा, नहीं आया तो स्प्रिंग किस काम का, समझे कि नहीं। मान लिया खींच दिए और उतना ही रह गया तो स्प्रिंग नहीं है, फिर स्प्रिंग का तो यही ना उसका बिहेवियर है कि वो अपने नेचुरल स्टेट में बार बार आ जाएगा, बस समझे कि नहीं। इसको इतना कंप्रेस किए, हाथ हटाइए, तुरंत यहाँ आ जाएगा, पहले थोड़ा बाहर जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा, इसको मान लिया इलोंगेट किए फिर छोड़े फिर अंदर आएगा फिर यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगा, यही ना स्प्रिंग का बिहेवियर। तो ये स्प्रिंग का ये बिहेवियर है, ये तीन बात याद रखें, स्प्रिंग किस मटेरियल का बना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन एंड कंप्रेशन, जितना इलोंगेट कीजिए जितना कंप्रेस कीजिए उतना ज्यादा उसमें फोर्स जनरेट होगा।
इन तीनों बात को मैथमेटिकली एक साथ लिखा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे F directly proportional to K. Yes, समझ गए कि नहीं? और F और K के बीच क्या है? F directly proportional to X. Spring जिस material का बना रहेगा उतना ज़्यादा force लगाना होगा. आप दोनों को मिला देंगे, direction क्या है? Negative. तो minus KX लिखेंगे. तो F equals to क्या लिख सकते हैं? Minus KX. K क्या है? Spring constant. X क्या है? Displacement. माइनस क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये है स्प्रिंग कांस्टेंट. देखिए इधर कार कवर हो रहा है ना? यस सर. स्प्रिंग कांस्टेंट. ये है क्या? डिस्प्लेसमेंट. और ये क्या है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि F एंड S आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन. इन तीनों को मिला कर हम ऐसे, यानी ये फोर्स वेरिएबल फोर्स हो गया. yes. ये फोर्स कई पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है. एक्स पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है. yes, मान लिया हम स्प्रिंग एक फिक्स ले लिए, जैसे हम एक स्प्रिंग ले लिए जो कॉपर का बना है, तो के तो फिक्स हो गया. के क्या हो गया? कांस्टेंट. yes. लेकिन अभी भी एक चीज वेरिएबल है, वो है एक्स. एक्स बदलिएगा तो स्प्रिंग बदलेगा. जिम में जाते हो तो स्प्रिंग को इतना खींचते हो, बुलवर कर इतना खींचते हो तो अलग ताकत लगता है. हमने बताया कि वेरिएबल फोर्स हो तो हम क्या यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे. वेरिएबल फोर्स के लिए यही नहीं यूज करेंगे. वेरिएबल फोर्स के लिए ये यूज करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन. एफ डी एक्स है तो एफ की जगह क्या लिखेंगे? माइनस के एक्स dx. क्लियर? ये फोर्स की जगह लिख दिए. अब इसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं. अब मान लिया लिमिट हमको डालना है x1 से x2 तक. लिमिट क्या डाल दिए? x1 से x2 तक इसका लिमिट डाल दिए. तो माइनस के बाहर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2. और इसका क्या डाल देंगे? लिमिट. लिमिट डालेंगे ना x1 से x2 तक. x1 x2 डालेंगे. yes. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस k को बाहर कर दिए तो ये कितना आ जाएगा? x2 स्क्वायर बाय 2 माइनस x1 स्क्वायर बाय 2. कोई प्रॉब्लम? नहीं. अब ये माइनस हटाएंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे? k. और ये लिखेंगे x1 स्क्वायर बाय 2 माइनस x2 स्क्वायर बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज. ये आया कि नहीं समझ में? आया. ये आया समझ में? yes. ये वर्क डन निकला कि स्प्रिंग को कब से कब इलोंगेट किया गया है या कंप्रेस किया गया है उस सिचुएशन को लेते हुए. ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देख रहे थे यहां पर. तो अब यहां पर आपको कुछ डायग्राम के थ्रू देखिए कि कंप्रेशन और इलोंगेशन में क्या ये होगा. तो इसको जरा समझा जाए. जैसे यहां पर देख रहे हैं कि मान लिया स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में, और नेचुरल स्टेट में है. नेचुरल को हम क्या लिए हैं? x1. और कंप्रेशन को क्या लिए हैं? x2. इसको क्या लिए हैं? x2. इसको लिए हैं नेचुरल और ये लिए हैं इलोंगेटेड. सबका डायग्राम बनाइए इलोंगेटेड. फिर इसको लिए हैं इलोंगेटेड. और फिर क्या है? नेचुरल मान लिया. ये मान लिया कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड. और ये ले लिए नेचुरल. ये ले लिए इलोंगेटेड. और ये ले लिए कंप्रेस्ड. ये ले लिए कंप्रेस्ड. और ये ले लिए इलोंगेटेड. अब यहां पर देखिए, जब अलग अलग सिचुएशन हम ले लिए हैं तो यहां पर देखिए इस स्प्रिंग का डायग्राम बना लेते हैं. पहले डायग्राम शुरू में कैसे बनेगा? नेचुरल है तो ऐसे होगा. yes. यही ना है? yes. ये नेचुरल. नेचुरल है ये x1 और इसी को कंप्रेस किया गया है. कंप्रेस किया गया तो कंप्रेस करने पे क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि नहीं? yes. यहां जो था इससे दब गया कि नहीं? ऐसे. yes. ये हो गया x2. ये बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि इस स्प्रिंग को ये नेचुरल स्टेट में था और इसको हम क्या किए? कंप्रेस किए. नेचुरल स्टेट को हम इसको जीरो मान लेते हैं. x1 क्या है? जीरो. मीन पोजीशन को जीरो मानते हैं. और ये कितना कंप्रेस हुआ? x किधर हुआ? नेगेटिव.
तो इसको x2 को क्या मान लिए माइनस एक्स, नहीं समझिए x2 को क्या मान लिए माइनस एक्स, ये क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए इसको ले लेते हैं नेचुरल, सेकंड वाला, सेकंड वाला भी क्या ले लिए नेचुरल, ये मान लिया नेचुरल शेप में से, और इसको इलोंगेट कर दिया। यस सर। ये नेचुरल था इतना और इलोंगेट कर दिए, तो ये कितना इलोंगेट हो गया x, तो यानी x x1 यहां क्या है 0 और x2 क्या है प्लस x है, प्लस x हो जाएगा। यस सर। ये इस डायरेक्शन में गया इसलिए प्लस x हो गया। ये डायग्राम है इसका, ये डायग्राम है इसका। अब इसका डायग्राम यहां बनाते हैं, शुरू में क्या है ये इलोंगेटेड यानी ऐसे है ना x, और बाद में कितना हो गया नेचुरल यानी x2 कितना है 0 और x1 क्या है x, x1 शुरू में क्या है x है, अब बाद में वो 0 हो गया। फिर इसका डायग्राम बनाइए, इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, शुरू में क्या है ये कंप्रेस्ड, मान लिया नेचुरल यहां तक था, कंप्रेस हुआ तो ऐसे, यानी x1 क्या लिखेंगे माइनस x, और उसके बाद क्या आ गया ये नेचुरल मान लिया ये, तो x2 क्या आ गया 0। ये बात समझ आए कि नहीं? फिर इसका डायग्राम बनाते हैं, शुरू में क्या है इलोंगेटेड, इलोंगेटेड है तो ऐसे हो गया है ना yes, x यानी x1 क्या है आ रहा है इतना कवर हो रहा है yes, sir. x1 x हो गया, और यहां से देखिए x2 क्यों क्या किया गया है कंप्रेस किया गया है, तो कंप्रेस कर देंगे तो ये इधर हो गया ना yes, x2 हो गया माइनस x, नहीं समझे yes, x2 माइनस x, और कंप्रेस इसका डायग्राम यहां बनाते रहे, कंप्रेस्ड है ये ऐसे है ना यहां तक होता तो इतना दूर तक कंप्रेस कर दिया गया यानी माइनस एक्स, और इलोंगेटेड इलोंगेटेड यहां से यहां, तो ये क्या हो गया एक्स यानी एक्स वन कितना लिखेंगे यहां माइनस एक्स, समझे यस सर, एक्स वन हो गया माइनस एक्स और एक्स टू हो गया प्लस एक्स, प्लस एक्स या एक्स लिखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब आपके पास तो फॉर्मूला रेडी है, फॉर्मूला क्या था आपका बताइए, फॉर्मूला था ना जी वर्क इज इक्वल टू क्या आया था माइनस के एक्स डी एक्स आया था ना yes, और यही लिए थे x1 x2 ये लिए थे yes, तो आप इसको क्या लिखे थे माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट डाले थे x1 से x2 x2 माइनस के इसी को लिखे थे x2 स्क्वायर बाई टू माइनस x1 स्क्वायर बाई टू माइनस से टू करके लिमिट चेंज किए x1 square by 2 minus x2 square by 2 और ये क्या आ गया k k। अब आप इसमें फर्स्ट केस में निकालना है तो x1 को क्या पुट करेंगे 0 तो मान लिया फर्स्ट केस देख रहे हैं केस 1 तो हम क्या लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे k और x1 की जगह क्या लिखेंगे 0 square by 2 minus x2 की जगह क्या लिखेंगे minus x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर by 2 तो कितना आ गया ये माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 ये हो गया बहुत गलत यस ये आया कि नहीं समझ में देखिए ये आया समझ में yes, फिर उसी तरह से सेकंड केस का भी निकाल सकते हैं yes, सारा केस निकाल सकते हैं आपको बस पुट करना है x1 x2 और सारा कुछ यस चलिए सब कुछ कैलकुलेट कीजिए दो मिनट का टाइम देते हैं